हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पॉजिशिव एडजेक्टिव्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पॉजिसिव पो, प्रोनाउंस वही पोसेसिव प्रोनाउंस ही पोसेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है लेकिन पोसेसिव प्रोनाउंस दो तरह के होते हैं एक फर्स्ट टाइप होता है और सेकेंड टाइप फर्स्ट टाइप को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी बोल रहे थे जब मैं समझा रहा था और इसको एडजेक्टिव प्रोनाउंस भी बोला जाता है और दूसरा जो टाइप था माइन योर्स हीज हर्स आवर्स देयर्स एट्सिट्रा वो खाली प्रोनाउन के रूप में गिना जाता है या माना जाता है पॉजिशिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट सिट बिफोर नाउंस टू शो ओनरशिप ओनरशिप का मतलब मालिकाना मालिकाना समझाने के लिए नाउन से पहले जो वार्ड बैठ के मालिकाना समझाता है या मालिकाना के बारे में एक्सप्रेस करता है दर्शाता है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एडजेक्टिव दे आर माई योर हर इट्स आवर एंड देयर सेवन ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव ये क्या नाउन से पहले बैठकर बिफोर ए नाउन देयर प्लेस इज नथिंग बट बिफोर द बिफोर एनी नाउन नाउन से पहले बैठते हैं और उसका वो नाउन का ओनरशिप बिठाते ओनरशिप दर्शाते हैं ये ये ओनरशिप ये दर्शाते हैं जैसे कि आई थिंक एग्जाम्पल में आई थिंक मैं सोचता हूं माई बुक माई हियर इट इज नाउन ये नाउन है और ये माई जो है मेरा ये ओनरशिप दर्शाता है ये दर्शाता है ओनरशिप ये वाला अगर नाउन से पहले बैठ के ओनरशिप दर्शाता हो तो ये वर्ड को हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउ इट इज क्लियर फॉर यू तो आई थिंक माई बुक इज इन योर बैग यहाँ पर भी ये रेड होना चाहिए योर बैग ये नाउन है और ये है हमारा ओनरशिप दर्शाने वाला सो so, ये दोनों हमारे हो गए क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव क्लियर

पॉजिटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं हीज पेरेंट्स हैड कम बिफोर टू डेज उसके पेरेंट्स दो दिन पहले आए थे सी लव्स हर चाइल्ड चाइल्ड नाउन है हर हो, गया ओनरशिप दर्शा रहा है और ये हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव सी लव्स हर चाइल्ड वेरी मच वो अपने चाइल्ड को काफी हद तक प्यार करती है इट्स वॉल्स इसके दीवारें किसके कोई घर का कोई घर का घर के बारे में हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं प्रोनाउन के जैसा ये इट्स इसके वॉल्स इसके दीवारें किस ये ओनरशिप दर्शा रहा है तो ये हो गया हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके दीवारें आर नॉट सो हाई इसके दीवारें इतने हाई uh, नहीं है यू मस्ट वॉच आवर मैच टुमारो मैच किसका हमारा तो ये जो वर्ड है ना ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव एक्सप्रेस कर रहा है तो आवर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव दर्शा रहा है और ये भी हमारा एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है बहुत ईजी है आप यही पॉजिटिव प्रोनाउंस भी है और यही वर्ड्स पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है क्यों उसको एडजेक्टिव के हिसाब से क्यों ले हम लेंगे आप कंफ्यूज मत होइए हम नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा हो नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हो उसको हम एडजेक्टिव बोलते इन द फर्स्ट वीडियो जो एडजेक्टिव का जो सबसे पहला वीडियो हम लोग सीखे थे या आप लोग देखे थे उसमें बताया गया था अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और विच मॉडिफाइज और विच गिव्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू ए नाउन नाउन के ऊपर जो डिस्क्राइब कर रहा होगा या फिर मॉडिफाई कर रहा होगा नाउन को या फिर कोई एक्स्ट्रा मीनिंग दे रहा होगा उसको ही हम एडजेक्टिव बोलते हैं जैसे कि ये सब वर्ड्स नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं मतलब ओनरशिप दर्शा रहे हैं तो ये वर्ड्स को हम एडजेक्टिव के नाम पे जानेंगे जैसे कि ये पॉजिटिव है तो उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन ऑर्जेक्टिव्स बोलेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगर आप लोगों को ये वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक like बटन दबा दीजिए शेयर कीजिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए थैंक यू गॉड ब्लेस यू बाय बाय